Life has changed. The world post-COVID looks very different than what it was a few months ago. But despite that, शादियाँ तो नहीं रुकेंगी ना. आजकल की ब्राइडल लहंगा के साथ साथ मैचिंग फेस मास्क भी बने लगे हैं. पर अगर आपको फेस मास्क के साथ मेकअप कैसे करना ये पता नहीं हो तो कोई बात नहीं, आई एम हियर टू हेल्प. हाय, मैं हूँ साची और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हाउ टू डू अ ब्राइडल मेकअप लुक विथ अ फेस मास्क. सो बिफोर वी गेट इनटू द वीडियो, अगर आप बी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे नए हो तो जरूर करें सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकॉन सो दैट यू आर अपडेटेड फॉर मोर ब्यूटी वीडियोज. Let's get started. कोई भी मेकअप लुक शुरू करने से पहले मेक श्योर आप एक थरा स्किन केयर रूटीन फॉलो करिए ताकि आपका फेस प्रेप्ड है फॉर मेकअप एप्लीकेशन. प्राइमर इज लाइक अ बेस जो फेस के टेक्सचर को स्मूथ कराता है, पोर्स को मिनिमाइज करता है एंड क्रिएट्स अ कैनवस इन विच बेस मेकअप कैन अडियर बेटर एंड स्टे पुट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. थोड़ा सा प्राइमर अपने फिंगर टिप्स पे ले और स्किन पर पैट करे. Make sure it's blended and also apply it on your neck. I would recommend that you wait for a few minutes and let the primer soak into the skin and then move on to the rest of the makeup. साथ ही मैं मेरे lips को moisturize करूंगी with a lip balm to make them soft and smooth. ताकि जब मैं end of this tutorial में lipstick लगाऊंगी तो वो crack ना हो. अब वक्त ऐसा आ गया है कि as a bride you will have to smile with your eyes. इसलिए आई मेकअप हैज बिकम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट. बिफोर डूइंग द बेस मैं अपना आई मेकअप कंप्लीट करूंगी. सबसे पहले मैं अपने आईज पे कंसीलर लगा लूंगी ताकि मेरा आई मेकअप स्मज ना हो और लंबे समय तक वो बना रहे. नाउ फॉर द आई शैडो मैं ये पैलेट यूज करने वाली हूँ, द लैक्मे एब्सोल्यूट स्पॉटलाइट आई शैडो पैलेट इन द शेड स्मोक इन ग्लैम. चलिए शुरुआत करते हैं. तो आईज पे मैंने ऑलरेडी कंसीलर लगा लिया है, साथ ही कंसीलर को सेटिंग पाउडर से सेट भी किया है सो दैट देयर इज नो क्रीजिंग और आपका आई लुक लंबे समय तक बने रहेगा. सबसे पहले मैं इस न्यूट्रल कलर को एज अ ट्रांजिशन शेड यूज कर रही हूँ. इसके लिए मैं एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश यूज करूंगी और हल्के हाथों से एक ट्रांजिशन क्रिएट करूंगी फॉर द आई लुक. अब इसके बाद टू डीपन द क्रीज एरिया मैं यूज करने वाली हूँ एक डीपर शेड टू डिफाइन द एजेस ऑफ द क्रीज एरिया. इस कलर को आउटर वी ऑफ द आई पे ही लगाना है फॉर दैट एडेड डायमेंशन एंड डेप्थ. अब ब्लैक कलर आई शैडो मैं क्रीज का आउटर एरिया पे डिपॉजिट करूंगी. अब ये ब्राइडल लुक कैसे होगा जब तक इसमें शिमर नहीं आएगा? सो टू कंप्लीट द आई शैडो लुक मैं ये शिमर कॉपर शेड लूंगी और उसे मैं अपने आईलिड्स पे फिंगर से डैब करूंगी. आई ऑलवेज प्रिफर यूजिंग फिंगर्स फॉर शिमरी शेड्स बिकॉज मेरे हाथों की हीट प्रोडक्ट को एक्टिवेट कर देती है. आप चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं पर मैं इस शेड को अपने इनर कॉर्नर्स में भी लगाऊंगी क्योंकि ऐसे करने से आईज वाइड ओपन नजर आते हैं और एज अ ब्राइड दिस रन अप टू द वेडिंग फंक्शन इक्वल्स नो स्लीप. सो दिस विल हाइड माय लैक ऑफ स्लीप एंड मेक माय आईज लुक बिगर एंड मोर ब्यूटीफुल. नाउ फॉर द लोअर लैश लाइन मैं मिक्स करूंगी ये दोनों कलर्स और फिर ब्लैक कलर काजल से लो वॉटर लाइन को रिम करूंगी. इससे आंखों की इंटेंसिटी बढ़ जाती है. वैसे शादी है तो मेकअप में थोड़ा बहुत ड्रामा तो जरूरी है ना. सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज अ लिक्विड आईलाइनर टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल कैट आई. विद दिस द आई लुक इज कंप्लीट. इस लुक को और आई कैचिंग बनाने के लिए आई एम गोइंग टू यूज फॉल्स लैशेस. एज अ ब्राइड मेक श्योर कि आप आई लैशेस के स्टाइल को पहले भी ट्राई कर ले सो दैट यू नो व्हाट लुक्स गुड ऑन योर आई. आई विल फॉलो इट अप बाय अप्लाइंग अ कोट ऑफ मस्कारा सो दैट दे स्टिक टू ईच अदर. I recommend using a waterproof mascara for obvious reason. अब आई लुक तो हो गया कम्प्लीट पर अब बारी आती है आईब्रोज की. आईब्रोज जैसे कि आप जानते हैं हमारे फेशियल फीचर्स को डिफाइन करता है एंड मोर सो नाउ इन आर करंट सिचुएशन वेयर वी हैव टू वेयर अ फेस मास्क डिफाइनिंग द आईब्रोज कैन रियली एम्प अप योर मेकअप लुक एंड ऑल्सो ड्रॉ फोकस अवे फ्रॉम द फेस मास्क. तो आज मैं यूज करने वाली हूँ द लैक्मे एब्सोल्यूट माइक्रो ब्राउ डिफाइनर इन द शेड कॉफी. एज अ रूल आई ऑलवेज ऑप्ट फॉर ब्राउन शेड्स ऑफ आईब्रो पेंसिल्स कंपेयर टू ब्लैक क्योंकि वो काफी सॉफ्टर और नेचुरल नजर आते हैं. सो स्पूली से ब्राउज को ऊपर की तरफ ब्रश करें और फिर हल्के हाथों से ब्राउ लाइक हेयर स्पार्स एरियाज पे क्रिएट करें. ब्राउज को ओवरफिल ना करें, वो काफी अननेचुरल नजर आ सकते हैं.
What's great about this eyebrow pencil is इसका formula smudge proof है. So ये आपके brows पे लंबे समय तक बना रहेगा. Which is exactly what you want as a bride. आखिर में spoolie से brows को फिर brush करें to get rid of that excess product. Foundation लगाने से पहले I just use a brush to clean my under eyes and get rid of that extra fallout. Just because आपका face mask में covered रहेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस step को lightly लें. Make sure आप ऐसा foundation choose करें जो matte, ताकि वो आपके mask में transfer ना हो और even smooth finish देता हो, जैसे कि ये. The Lakme 9-5 Primer Plus Matte Perfect Cover Foundation. इसे आप ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश से लगा सकते हैं. इसे मैं इवनली ब्लेंड करूंगी और अपने नेक और ईयर एरिया को भी कवर कर लूंगी. अक्सर हम नेक और ईयर को भूल जाते हैं, जिससे एक स्टार्क डिफरेंस नजर आता है. एक और टिप मैं शेयर करना चाहूंगी. मेक श्योर टू चूज अ फाउंडेशन जो आपके कम्प्लेक्शन पे अच्छी तरह काम करेगा, ताकि फोटोग्राफ निकलते समय ब्राइट लाइट्स और फ्लैश बल्ब आपके फाउंडेशन को ऑक्सीडाइज ना करें. फाउंडेशन का काम है टू गिव यू एन इवन स्किन टोन, जबकि कंसीलर का काम है कवर अप इम्परफेक्शंस लाइक स्पॉट्स और डार्क सर्कल्स. कंसीलर का शेड शुड बी द सेम एज योर स्किन टोन, तो डॉट इट ऑन योर प्रॉब्लम एरिया एंड उसे अच्छे से पैट इट इनटू योर स्किन. आप अपने फिंगर भी यूज कर सकते हैं, एज अ वार्मथ ऑफ द फिंगर विल मेक इट ब्लेंड इजिली एंड लुक नेचुरल. Now I'll set the base with a setting powder and I will be using a beauty blender to set the whole face. This will help keep the makeup on as you dance and smile your way through the evening. Also, agar aap makeup set nahi karenge to wo easily mask ke edges pe transfer ho sakta hai. Mask ki wajah se pura face visible to nahi hoga, par iska matlab yehi nahi ki aap blush aur highlight na lagaye. You will obviously click pictures without your mask as well, right? Adding blush and also contour will enhance your features in the best way possible. Aur highlighter will add that much needed glow. I'll first start off by contouring my nose, temples, hairline, cheekbones and jaw. फिर मैं blush को अपने apples of my cheeks पे लगा लूँगी और आखिर में highlight करूँगी high points of my face. That is the cheekbones, nose, chin, brow bone and cupid's bow. I'll finish my makeup by applying lipstick. For lipstick, stick to mattes like this one. The Lakme Forever Matte Liquid Lip Color in the shade Red Revival, so it doesn't bleed or smudge beneath that mask. Lipstick लगाने से पहले मैं अपने lips को और enhance और modify कर रही हूँ with a matching lip liner. फिर short strokes में liquid lipstick apply करें. The best part about this lipstick is that this is transfer proof, so you don't have to worry about getting it onto your mask. Lastly, I'll set everything with a setting spray. You obviously don't want your hard-earned efforts to go to waste. Aur mask ke niche is always going to be so hot, so before all the makeup starts melting away, make sure you apply that setting spray. So guys, I hope you like this video. Don't let the mask dull your shine. आप जरूर एक गॉर्जियस ब्राइड बनेंगे विद और विदाउट अ मास्क. बट बिफोर यू गो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बी ब्यूटीफुल एंड प्रेस दैट बेल आइकॉन फॉर आवर लेटेस्ट ब्यूटी अपडेट्स.